प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल IGMC अब कोरोना फ्री हो गया है। यहां अब एक भी मरीज कोरोना का भर्ती नहीं है। मार्च 2020 के बाद से IGMC में लगातार कोरोना के मरीज भर्ती होते रहे हैं, लेकिन पहली बार यहां ऐसा समय देखने को मिला कि कोरोना के मरीज भर्ती नहीं है। इन दिनों ऐसा नहीं है कि कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं, जिससे मरीजों के साथ ही अस्पताल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि डॉक्टरों ने लोगों से निर्देश दिए हैं कि भले ही IGMC कोरोना फ्री हो गया है, लेकिन लोगों को अभी भी नियमों की पालना करना जरूरी है। लोग पहले की ही तरह मास्क लगाएं व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। IGMC के MS डॉक्टर जनक राज ने कहा कि 2020 के बाद IGMC में लगातार कोरोना के मरीज भर्ती होते रहे और यहां पर पूरे प्रदेश से मरीज लाए गए थे, लेकिन अब 24 मार्च से IGMC अस्पताल में एक भी मरीज दाखिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी कोरोना संक्रमण को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। यहाँ पर कोरोना काल में मरीजों के ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आधा से ज्यादा स्टाफ कोरोना के मरीजों के लिए लगाया गया था। अब जो स्टाफ कोरोना मरीजों का देखरेख कर रहे थे, वह स्टाफ को बाकी बीमार मरीजों के लिए लगाया गया है। कोरोना की आहट सन 2019 के आखिर में और 2020 की शुरुआत में हमारे देश में हो गई थी, और मई 2020 में हमारी राज्य में भी और हमारे IGMC संस्थान में भी कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया। तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो 2020 में 1173 और 2021 में 1529, मतलब 1529, और 2022 में अभी तक 385, तो ये कुल मिलाकर 3087 पेशेंट जो हैं वो हमारे संस्थान में अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विभिन्न विभिन्न अन्य बीमारियों के लिए भी उपचार हेतु इस संस्थान में आए, जिसमें से इलाज के दौरान लगभग 670 लोगों की मृत्यु हुई। और यहाँ पर केवल और केवल कोरोना का इलाज ही नहीं हुआ, बल्कि कोरोना के अतिरिक्त गैर कोविड बीमारियों के मरीजों का इलाज भी सुचारू रूप से सुनिश्चित तौर पर कोविड काल में चलता रहा। इसके अतिरिक्त जब कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने के साथ कोई और गंभीर बीमारियों के साथ इस अस्पताल में आया, चाहे वो एक्सीडेंट का केस था, चाहे वो हार्ट का केस था, चाहे वो रीनल डायलिसिस वाले केस थे, उन सब के मरीजों का भी, उनकी विभिन्न विभिन्न बीमारियों का भी इस संस्थान में दो वर्षों में सुचारू रूप से इलाज किया जाता रहा। लगभग 600 के करीब लोगों का हमारे संस्थान में कोविड पॉजिटिव के साथ डायलिसिस के लिए जब जरूरत पड़ी तो ऐसी संख्या लोगों की लगभग 600 है जिनका डायलिसिस हमारे कोविड फैसिलिटी में किया गया। 50 से अधिक लोगों के विभिन्न विभिन्न चीजों के लिए ऑपरेशन किए गए। और अभी वर्तमान समय में हमें ये बताते बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि 24 मार्च को हमारे पास आखिरी कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो था उसको भी अब छुट्टी हो गई है। तो अब लगभग एक सप्ताह का समय बीत चुका है। एक सप्ताह से इस संस्थान में कोविड पॉजिटिव कोई भी मरीज यहाँ पर भर्ती नहीं है। जी, सबसे पहले तो मुश्किलों की अगर बात करें तो प्रथम लहर जिसको कहा जाता है मार्च 2020 ऑनवर्ड, प्रथम बार जब कोविड की आहट हुई तो सबसे पहले हमारे अंदर जो मुश्किल थी वो कोविड से लड़ने की समस्या नहीं थी, बल्कि हमारे पास जो मुश्किल सबसे पहले जो आई वो ये आई कि किसी भी तरह से इस भय को अपने चिकित्सा कर्मियों, अपने स्वास्थ्य कर्मियों के मन से इस भय को निकालें और उनकी सुरक्षा के जरूरी पुख्ता इंतजाम किए जाएं, और साथ ही साथ जो मरीज इस स्थिति में हमारे पास आए उन्हें भी उचित और समुचित इलाज मिले, उसके लिए सारी व्यवस्था करना। प्रथम बार में हमारे लिए बिल्कुल ये नई चीज़ थी, हमें कोई अनुभव भी नहीं था, केवल कागजों में हमने इसके बारे में पढ़ा था और बाकी दुनिया में जो लोगों के साथ हो रहा था उसके अनुभवों के तौर पर हमने शुरुआती दौर में अपने इंतजाम यहाँ पर किए।
परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमारे अनुभव में बढ़ोतरी होती गई। दूसरी वेव के समय जैसा सबको विदित है कि ऑक्सीजन की डिमांड का लेकर जो पूरे देश भर में जो हो हल्ला हुआ, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और हमारी प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते हम लोगों ने समय रहते अपने प्रदेश में अपने संस्थान में ऑक्सीजन के समुचित प्रबंध किए, जिसकी वजह से हम ये आज दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे संस्थान और हमारे राज्य में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसको ऑक्सीजन या चिकित्सीय सुविधा ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हुई हो। तो ये सब संभव हो पाया है सब लोगों के सहयोग से और सरकार के मार्गदर्शन से। देर में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो आई हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के पॉजिटिव हो जाने से उनको ड्यूटी रोस्टर से हटाने की स्थिति में गैर कोविड बीमारियों के मरीजों के इलाज में हमें समस्या हुई। तो तीनों वेव का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है, परंतु मैं इसी के साथ एक और बात आप लोगों के समक्ष सब लोगों से साझा करना चाहूंगा कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी कोविड के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत रहने की आवश्यकता है और अपनी आयु वर्ग के हिसाब से अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। देखिए ऐसा है कि वेरिएंट आना ये एक नियमित नेचुरल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। जिस तरह माँ बाप से बच्चे जो है उनका थोड़ा सा भिन्न होते हैं, जब भी वायरस नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है तो उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन होना ये स्वाभाविक है। तो इस तरह की चीजें ये कोई नई बात नहीं है। ये जो लोग भी वायरस के बिहेवियर से परिचित हैं, जो जिन लोगों ने भी वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल की पढ़ाई की है, उनको इस बात पर इल्म है कि ये कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई हैरान होने वाली बात है। ये कुदरत में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि जो नया वेरिएंट है वो पहले वाले वेरिएंट से प्राण घातक हो जाए या पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा डेंजरस हो जाए। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, केवल कोविड की बात नहीं है, अन्य बीमारियों के लिए भी। और रही वैक्सीनेशन और इन सारी चीजों की बात, तो वैक्सीनेशन होने के बाद आपको गंभीर कोविड बीमारी नहीं होगी, ये बात प्रमाणिकता से सिद्ध हो चुकी है। परंतु अक्सर लोगों को हमने देखा है कि लोग कहते हैं या पूछते रहते हैं कि हमने तो वैक्सीन लगाई है फिर भी हम पॉजिटिव हो गए। देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव होना अलग बात है। पॉजिटिव होना मींस आपके शरीर के अंदर वायरस मौजूद है, परंतु वो वायरस मौजूद होने के बाद क्या हमारे शरीर में कोविड बीमारी करने में सक्षम है या नहीं है। क्योंकि अगर कोविड बीमारी होती है तो ये बात गंभीर है, अन्यथा वायरस का इन्फेक्शन या यूं कह लें केवल कोरोना ही नहीं, बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में स्वतः विद्यमान रहते हैं, तो वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होती है, जिस वजह से वह कीटाणु और विषाणु जो हमें इन्फेक्शन नहीं कर पाते। तो वही स्थिति कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना वायरस के प्रति हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।